अखंड सौभाग्य का प्रतीक है ये हरतालिका तीज महापर्व व्रत। हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों का विशेष महत्व होता है। महिलाएं साल भर में कई तरह के व्रत रखती हैं, जिसमें भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में मनाए जाने वाले हरतालिका तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए प्रमुख रूप से खास महत्व रखता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत या काली मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हरतालिका तीज पर 14 साल के बाद रवि योग इस बार बना है। मान्यता है कि शुभारंभ संयोग में व्रत और पूजन करने से सुहागनों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत में 24 घंटे तक निर्जला रहकर पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए महिलाएं 16 श्रृंगार कर व्रत और पूजा पाठ किए और हरतालिका व्रत की कथा सुनी। हरतालिका तीज का व्रत एक ओर जहां सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुंवारी लड़कियां हरतालिका तीज के व्रत को सुयोग्य वर पाने के लिए भी करती हैं। ये त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ में चांद को देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है। लेकिन इस व्रत में पूरे दिन और रात निर्जला व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करते हैं और दूसरे दिन पूजा पाठ के बाद जल पीकर व्रत तोड़ा जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार का सामान, वस्त्र, खाने की चीजें, फल, मिठाई आदि का दान करना शुभ माना जाता है। एक बार ये व्रत रखने के बाद जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना पड़ता है। इस व्रत के व्रती को सोना निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ जागरण रखना पड़ता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना सौभाग्य समझती है। हरतालिका तीज की उत्पत्ति व इसके नाम का महत्व एक पौराणिक कथा में मिलता है। हरतालिका शब्द हरत व आलिका से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः अपहरण व स्त्री मित्र सहेली होता है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती जी सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले जाती हैं, ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से ना कर दें। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले हरतालिका व्रत की थी। इसी दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वर दिया था। सावन के मौसम में हर जगह हरियाली दिखने से इसे हरियाली तीज का नाम दिया गया है। हरतालिका तीज पर पूजन के दौरान महिलाओं का काला, नीला और बैगनी रंग का वस्त्र पहनना निषेध माना गया है। इसमें सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर नए वस्त्र पहन 16 श्रृंगार करके देवी पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इसके साथ ही माँ पार्वती को सुहाग का सभी सामान चढ़ाया जाता है। पूजन के लिए शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया गया और भगवान शिव पार्वती जी की विवाह की कथा सुनी गई। हेलो, हमन साल भर के लिए इंतजार करथन। इस तीजा पर्व में हमन अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करे बर माता पार्वती और शिव जी के प्रार्थना करे बर हमन दिन भर निराहार उपवास रह के पूजा करथन। रात भर पूजा पाठ और ओकर भजन कीर्तन करके भगवान ला खुश करे बर अखंड मंगल कामना करथन। साथ ही अपन पति पुत्र के लंबा दीर्घायु के लिए कामना करथन। एकर व्रत के शुरुआत 2 दिन पहले ले माने जाते हैं। तैयारी तो कब के चलत रहते जब हमन आगे दिन मतलब कल कड़ू भात खाए ले शुरू करे रहन, आज दिन भर निराहार रहन। कल चौथ के हमन सुबह भिनसा पानी खा के और फरहार करके करबो। ओकर बाद दिन भर अपन गाँव में अपन चाची मामी सबके घर में जाके कढ़ी भात और कुछ कुछ ठेठरी खुरमी ये सब चीज खाबो। तो हम नाम
मैं संगीता गुप्ता मिलासपुर से करत हन। वो फूलझड़ी बनाए हन, महादेव के लिंग बनाए हन और सब कुछ उसका तैयारी करे हन और पंचामृत बनाए हन, दूध दही से सबको स्नान कराए हन और सब तैयारी से महादेव भगवान बहुत पसंद हो से भोग लगाए हन, ठेठी कुर्मी के भोग लगाए हन, आरती पूजा करे हन और सब महिला मन एकत्रित होके सब पूजा पाठ करीन है, ओकर से सब भगवान बहुत पसंद हो से और सब बेटी माई मन अपन अपन आए हमें सब आप माँ बेटी अपन अपन सब पूजा पाठ करत हैं और ये अपन पति के नाम से तीज पर्व का माने दीर्घायु पति के ओखर नाम से तीज पर्व मनाए जाते और सब महिला एकत्र का तैयारी करें बतावा। मैं इसके लिए फूल की तैयारी की हूँ और दूध दही घी खतरा बनाई हूँ। किस लिए उपास रहा जाता है? पति के लिए इधर बनाई हूँ, इसमें खतरा बनाई हूँ, बिंसा चीला। समय न्यूज के लिए सीपत से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।